नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू। पीएम मोदी की अध्यक्षता में G20 का वर्चुअल सम्मेलन होगा आज, रूस के राष्ट्रपति और चीनी प्रधानमंत्री भी लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के अध्यक्ष समेत 4 सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किए जाने का आदेश जारी किया। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का है आरोप। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने ऑपरेशन ऑल आउट वॉर के तहत आतंकियों की 500 से अधिक संपत्तियां की जब्त। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा कि मार्च तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलगाड़ी के माध्यम से सफर कर सकेंगे यात्री। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे भी 1 से 1.5 साल में बनकर हो जाएगा तैयार। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के पार इस साल 300 एकड़ में होगी खेती। फसल की बुआई का काम DC कठुआ ने करवाया शुरू। श्रीनगर के वजीरबाग इलाके में मंगलवार शाम लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर। इस मामले में अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।